अगर आप इस बार गुवाहाटी यूनिवर्सिटी पे ओपन बुक एग्जामिनेशन देने वाले हो तो आपको जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसको आपका चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हो? तो अगर आपने बहुत पुराना नंबर देके रखा हो या फिर ऐसा नंबर देके रखा हो जो एक्टिव ना हो लेकिन आपको चेंज करके जो अभी आप फिलहाल नंबर यूज कर उसको देना है, तो वीडियो में वही स्टेप्स दिखाने वाला हूं कैसे आपका रजिस्टर नंबर को चेंज कर सको ताकि एग्जाम से रिलेटेड आगे आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला एंड तक, लेकिन एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियोस मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जियो पोर्टल में आना पे थी, तो जैसे आप जियो पोर्टल में आओगे तो यहाँ पे जो थ्री डॉट है इस पे क्लिक करके आप अगर मोबाइल फोन से यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे जाके टेक्स्ट ऑफ साइट को जरूर ऑन कर देना, ठीक। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट पोर्टल एग्जामिनेशन फॉर्म्स लॉगिन, तो इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। से आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका लॉगिन ऑप्शन आ जाएगा, तो आप चाहो तो लॉगिन पासवर्ड कर सकते हो, लॉगिन ओटीपी भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे जो भी आपका एप्लीकेशन आईडी हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, आप डाल देना और जो भी आपका पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल देना। तो फटाफट लॉगिन कर लेता हूं, फिर मैं आगे का स्टेप्स दिखाता हूं। तो उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और थोड़ा यहाँ पे देख सकते हो लिखा है मैनेज प्रोफाइल, ये वाला, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और ये देख सकते हो यहाँ लिखा है एडिट पर्सनल डिटेल्स, तो इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक ऐसा पेज खुल जाएगा, तो यहाँ पे ये क्रॉस पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हो मोबाइल नंबर ट्रेजर नंबर यूज करो, यहाँ पे आके आपको उसको डाल देना है। अगर आप चाहो तो अपने ईमेल एड्रेस को अगर चेंज करना चाहो तो यहाँ से अपने ईमेल एड्रेस को भी डाल के चेंज कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप नेसेसरी चेंजेस कर लोगे तो उसके बाद जो सेव ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे सेव पे क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, तो जैसे आओगे एक बार हो सके तो पेज को रिफ्रेश कर लेना। तो जैसे पेज को रिफ्रेश करोगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके वापस से आपका जो भी डिटेल्स है उसको जाके जरूर चेक कर लेना, ठीक है। जैसे ही सारा आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए आप डेफिनेटली इसको लॉग आउट कर लेना, ठीक है। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना ताकि आगे भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलता रहे। तो ये आज का वीडियो देखने का शुक्रिया, स्टे सेफ, ग्रेट डे, बाय।